हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सकर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ SEO के बारे में। मेरे ख्याल से ये SEO का तीसरा पार्ट है। मैंने इससे पहले भी दो पार्ट में बताया हुआ है कैसे आप लोग SEO कर सकते हैं। तो आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा और आज की वीडियो थोड़ी अलग ही हो जाएगी। आप लोग अगर इस बात को जान जाएंगे, अगर आप लोग इसे यूज़ करने लगेंगे, तो आपका चैनल का जो आप लोग बोलते रहते हैं कि सब्सक्राइबर्स पूरा नहीं हो रहा, वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने 200 वीडियोस डाली हुई है लेकिन उनका वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, उनका सब्सक्राइबर्स ही पूरा नहीं हो रहा 1000। तो इस ट्रिक को अगर आप अपनाएंगे तो आपका ये सब चीज़ की समस्या मिट जाएगी, ये सब प्रॉब्लम ही आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग पहला चीज़ जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत से लोग नहीं करते हैं। अगर आप करेंगे तो आप उन लोगों से आगे बढ़ जाएंगे, आपके चैनल के ग्रोथ का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा, आपका चैनल बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रो करने का चांसेस हो जाएंगे। इसलिए आप ये सब चीज़ को एक बार ट्राई करें, फिर आप देखें कि उसका रिजल्ट क्या मिलता है। आप कंसिस्टेंट रहें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप कभी वीडियोज़ भी नहीं डालेंगे और आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं। तो आप लोग अपने चैनल के वीडियोस को डालते रहें, अपलोड करते रहें, लेकिन आप साथ ही साथ ये सब SEO के ट्रिक्स को अपनाते रहें ताकि आपके चैनल को कहीं ना कहीं से पॉइंट मिल जाएगा, आपका चैनल सही डायरेक्शन में चला जाएगा और आपका चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ अपना कंटेंट अपलोड करेंगे, आपका चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। जितने भी तरह के माइलस्टोन होते हैं यूट्यूब पर, वो सब क्रॉस कर देगा, सब क्रॉस कर देगा, आप लोग इस बात का यकीन करें। चलिए आज की पहली ट्रिक मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आप लोग कार्ड्स यूज़ नहीं करते। YouTube में फंक्शन होता है कार्ड्स का, आई बटन जिसको लोग कहते हैं ना कि आई बटन में क्लिक करें, मैं आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो कार्ड्स होता है। वो कार्ड्स बहुत से लोग यूज़ ही नहीं करते अपनी वीडियोस में। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लोग बनाते हैं लेकिन लोग कार्ड्स यूज़ नहीं करते। कार्ड्स आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। जब आप कार्ड्स यूज़ करेंगे तो आपके व्यूअर्स अगर आपके वीडियोस उस वीडियो से रिलेटेड और कुछ देखना चाहते हैं तो वो आप कार्ड्स में दे सकते हैं। आप अपने कार्ड्स में पॉल क्रिएट कर सकते हैं कि आपके वीडियोस इस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो आप लोग कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कार्ड्स बहुत ही अच्छा फीचर है यूट्यूब का, जिससे आप अपने चैनल को एक अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं, आप अपने चैनल को एंगेज रख सकते हैं आप ही के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग इस चीज़ का, इस फीचर का फ़ायदा उठाएं, आप लोगों का चैनल बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। पहली बात मैंने आपको बता दी कार्ड्स के बारे में। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी ट्रिक, सबसे बड़ा चीज, खेल जो आप लोग कर सकते हैं अपने वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए, एनोटेशंस का इस्तेमाल। एनोटेशंस आप लोग नहीं जानते, एनोटेशंस, एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन समझ में आता है आप लोगों को? एंड स्क्रीन होता है जो आपकी वीडियोस एंड पे आती है, तो लास्ट के जो 20 सेकंड में आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाया जाता है और फिर आप लोगों को साइड में, इस साइड में एक वीडियो दिखाई जाती है, इस साइड में एक वीडियो दिखाई जाती है, वो एंड स्क्रीन होता है कि इस वीडियोस पे आप क्लिक कर सकते हैं, इस वीडियोस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपके आपके व्यूअर्स को एंगेज रखने में मदद करता है। आपकी वीडियोस अगर उसको और पसंद आ रही है तो वो आपके और वीडियोस पे क्लिक करेगा। आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, आपकी वीडियोस का वॉच टाइम बढ़ेगा, आपका चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, बहुत जल्दी ग्रो करेगा। आपका जब वॉच टाइम मिलेगा तो 4000 घंटा, जो 4000 आवर्स का मतलब के जो माइलस्टोन है, वो आपका कब क्रॉस हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ आपकी वीडियोस थोड़ी सी होनी चाहिए आपके यूट्यूब चैनल पे। ऐसा नहीं कि एक वीडियो है फिर आप एंड स्क्रीन डाल ही नहीं पाएंगे, आपके चैनल में वीडियोस ही नहीं तो फिर इधर क्या दिखाएंगे, इधर क्या दिखाएंगे। आपकी एक वीडियो तो चल रही है अभी, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि मतलब वीडियोस रहे तब आप लोग एंड स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंड स्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत से लोग एंड स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत से लोग कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइटल में हमेशा अपने चैनल का नाम यूज़ करें, इससे आपका चैनल का वीडियोज़ इंटरलिंक रहता है। यूट्यूब आपकी वीडियोज़ को आपके यूजर्स को सजेस्ट करता है, किसी और यूट्यूबर का सजेस्ट कर देगा तो आपके चैनल से वो हट के किसी दूसरे यूट्यूबर पे चला जाएगा। लेकिन अगर आपका चैनल का नेम आपके टाइटल में रहेगा, हर वीडियोस के टाइटल में रहेगा, तो यूट्यूब आप ही की वीडियो को उस यूज़र को, उस व्यूअर को सजेस्ट करेगा। इसलिए टाइटल भी यूज़ करें। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, आप पहले की वीडियोज़ देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सी बातें ऐसे मैंने बताई हुई हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग कैसे अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं एनोटेशंस की मदद से। एनोटेशंस बहुत ज़रूरी होता है, एनोटेशंस यूज़ करें आप लोग, कार्ड्स यूज़ करें आप लोग। आप लोग यही सब यूज़ नहीं करते, बेसिक फीचर्स नहीं यूज़ करते, फिर आप लोगों का चैनल ग्रो नहीं करता। बहुत से लोगों को ये सब प्रॉब्लम है, उन लोगों की ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जितने भी तरह के वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहे, सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, ये सब जितने भी प्रॉब्लम है वो आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, कंसिस्टेंट रहें, अपने चैनल की वीडियोस पे अपलोड करते रहें, ढंग का कंटेंट डालें, किसी का चुराया हुआ फाइल ये सब अपलोड ना करें, किसी की वीडियो को रीअपलोड ना करें, ये सब, इससे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, आप लोगों की चैनल डिलीट हो जाएगा। अगर आप यूट्यूब को लेकर सीरियस हैं तो इस तरह का मिस्टेक ना करें, इस तरह की गलती ना करिए। बहुत मतलब क्या कहें, बहुत ही बेकार गलती, गलती भी नहीं है क्या, किसी दूसरे का फाइल अपलोड करके आप सोच रहे हैं कि आप यूट्यूब पे अपना नाम करेंगे, अपना कुछ भी करेंगे, आप पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा, आपको अपना कंटेंट दिखाना होगा, आपको अपने ऑडियंस को, आपको अपनी ऑडियंस को गैदर करना होगा, आपको अपने ग्रुप के, अपने फैमिली के लिए अलग
मतलब कि आपको अपने अपने चैनल के लिए एक अलग से ऑडियंस क्रिएट करना होगा जो आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड हो, जो आपका कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हो। तो वो तो चीज़ आप देख सकते हैं, आपको मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है कि बेस्ट चैनल आइडियाज़ करके, बहुत सी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया किस तरह आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं एक बेहतर आइडिया की मदद से। फिलहाल मैंने SEO के बारे में आप लोगों को बता दिया, ये कार्ड्स आप लोग यूज़ करें, एनोटेशंस यूज़ करें, ये सब चीज़ यूज़ करें, इंड स्क्रीन तो यूज़ करना चाहिए आप लोगों को। इससे आप लोगों के चैनल का एंगेजमेंट बढ़ता है, लोग आपके चैनल की वीडियोस में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो आपकी वीडियोस को और देखते हैं, आपका वॉच टाइम बढ़ता है, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये सब चीज़ों को आप लोग यूज़ करें। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप अपने यूट्यूब चैनल से उसे लिंक कर लें। आप जब जाएंगे यूट्यूब चैनल के, मतलब कि यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है चैनल में जा करके एडवांस में, उसमें आपको अपने लिंक्स को अप्रूव करने का भी ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को इंटर कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है तो आप लोग वेबसाइट को इंटर कर देंगे तो वहाँ पर आपकी वेबसाइट लिंक हो जाएगी, तो वहाँ से आप अपने व्यूअर्स को अपनी वेबसाइट तक भेज सकते हैं, अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को, आपके जो भी मतलब कि व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं वो आपकी वेबसाइट तक जाएंगे, आपकी वीडियो वेबसाइट को पसंद करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट टेक्नोलॉजी पे, तो वो आपकी टेक्नोलॉजी के ब्लॉग पढ़ेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, आपके व्यूअर्स आपकी तरफ, आपके चैनल पे इंगेज रहेंगे, आपकी वीडियोस को देखेंगे, आपकी वीडियोस को एज अ मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप बनाते हैं तो वो आपकी वीडियोज़ तक आएंगे, आपकी वीडियोज़ को देखेंगे, बहुत इंजॉयमेंट रहेगा, वो आपके चैनल पे इंगेज रहेंगे, तो आपका चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, आपका चैनल की वीडियोस रैंक करेंगे, क्योंकि लोग आपकी वीडियोस पे आ रहे हैं, लोग आपकी वीडियोस पे इंगेज हैं, तो वो यूट्यूब ऑटोमेटिकली बहुत से लोगों को ये सजेस्ट करने लगेगा कि देखिए इस वीडियोस पे बहुत से लोग आ चुके हैं, आप भी जाएं, आप भी हो सकता है यहाँ पे इंगेज रहेंगे। तो यूट्यूब चाहता ही है कि लोग उस पे इंगेज रहें, तो वो ऐसी ही वीडियोस को सजेस्ट करता है अपने वॉच पेज पे, यानी फ्रंट पेज, जो आप youtube.com खोलते हैं तो वो फ्रंट पेज जो होता है वो ज़्यादातर वीडियोस वैसी ही होती हैं जिसपे ज़्यादातर लोग इंगेज होते हैं। आप लोग जाकर के देख सकते हैं जितने भी वॉच पेज पे वीडियोस होती हैं वो सब पे मिलियन व्यूज़ होता है, सब पे। क्यों? क्योंकि YouTube चाहता है कि लोग YouTube पे इंगेज रहें, तो YouTube ऐसी ही वीडियोस को सजेस्ट करता है जिस पे लोग इंगेज रहते हैं, तो आप अपने चैनल के इंगेजमेंट को बढ़ाएंगे, आपका वीडियो भी फ्रंट पेज पे दिखेगा, बहुत से यूट्यूबर का दिखता है तो आप भी दिख सकते हैं वहाँ पे, आप कोई अलग नहीं, आप भी वही में से हैं तो आप भी दिख सकते हैं वहाँ पे। तो आप लोगों को दिखने के लिए यूज़र एंगेजमेंट बढ़ाना होगा, अपने कार्ड्स को यूज़ करें, चैनल को यूज़ करें, चैनल के एनोटेशंस को यूज़ करें, इंड स्क्रीन जो कहते हैं इंड स्क्रीन को यूज़ करें, अपनी वेबसाइट को लिंक कर दें अपने यूट्यूब से। इस तरह से आप लोग एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं अपनी वीडियोज़ का। और फिर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कभी भी कीवर्ड्स को खाली ना छोड़ें। कीवर्ड्स मतलब कि देखिए टैग बॉक्स जो होता है ना वो कीवर्ड्स के लिए होता है, तो कीवर्ड्स आप लोग सही डालें, मैंने पहली पिछली वीडियो में बताया था, तो आप लोग इस वीडियो में मैं आप लोग बता देता हूँ, बहुत से लोग गलती करते हैं बताने के बावजूद, तो कीवर्ड्स को आप लोग सही करें। मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों को मैं दिखा दूंगा वीडियो कि कैसे आप लोग कीवर्ड्स का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब में सही कीवर्ड्स कैसे आप लोग चूज़ कर सकते हैं, कैसे आप लोग अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो रैंक करेगा, जो आपकी वीडियोस को रैंक करने में मदद करेगा, जो आपकी वीडियोस को एक अच्छे मतलब के रैंक करा देगा, आपके टॉप पर आ जाएगी आपकी वीडियोज़। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप ही लोगों की हेल्प हो जाएगी, आप लोग ग्रो कर सकेंगे यूट्यूब पे बहुत ईजिली। बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग चाहते हैं वो लोग ग्रो करें लेकिन कर नहीं पा रहे, उनको SEO के बारे में नहीं पता, उनको SEO ट्रिक्स के बारे में नहीं पता, उनको नहीं पता कि लोग वायरल कैसे हो जाते हैं, उनको पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता, पीछे का लॉजिक नहीं पता। ये सब चीज़ें उनको पता रहेंगी, वो लोग आराम से कर सकते हैं, उन लोगों का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, मैं जेन्युइन कंटेंट जो बनाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है लेकिन उनको नहीं पता होता है SEO के बारे में, ट्रिक्स के बारे में, टिप्स के बारे में, ये सब। तो उन लोगों को जब ये बात पता चलेगी वो लोग अपने चैनल को बहुत आगे कर सकते हैं, बहुत अच्छा रैंक करवा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कोई सवाल है तो आप फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपके कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ आप तक आती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं, ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बहुत सी बातें बताऊंगा यूट्यूब से रिलेटेड, और भी जितनी चीज़ें जिससे आप लोगों की हेल्प हो सकती है मैं आप लोगों को सब चीज़ बताऊंगा, जितना मैं जानता हूं मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो कोई नहीं बताता मैं आप लोगों को वो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग ग्रो कर सकें। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के बेल नोटिफिकेशन दबा लें, इससे आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम लोग कोई वीडियोस अपलोड करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करें, उससे उनका कुछ हेल्प हो जाएगा, उससे उन लोग मतलब अगर उन लोग कोई गलती कर रहे हैं अपने चैनल को, अपने यूट्यूब को SEO नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग SEO करके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, उनके साथ शेयर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।